अच्छा, तो हम बैटरी वाली गाड़ी से जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर यहाँ का बहुत सुंदर है। और ये सुमन बैठी है, बहन है मेरी। इधर सुनीता बैठी है, ये भी बहन है, मतलब मेरे चाचा की बेटियाँ हैं। और ये इसकी जेठानी है जो साथ में बैठी है। तो बस हमने ई रिक्शा कर लिया है। ई रिक्शा ने यहाँ से पर सवारी 40-40 रुपए लिए हैं। और वृंदावन में नीम करोरी बाबा का आश्रम है, वहाँ से जा रहे हैं हम लोग। तो मैं भी लाल दीरवादी है बिचवाला, तो मैं भी अपनी शक्ल दिखा देती थोड़ी सी। मैं लेट आई हूँ भागवत में, और आज पांचवा दिन है भागवत का। तो सुबह सब जल्दी जग जाते हैं, मैं भी जल्दी जग गई आज सबके साथ में। और ये वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। वैसे मैं पहले पहुँच चुकी हूँ थोड़ा। और ई रिक्शे से जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ई रिक्शे से जाना। तो बस आपको वैष्णो देवी का मंदिर दिखाऊंगी जाके। तो बस अब हम आ गए वैष्णो देवी मंदिर, और मंदिर के अंदर जा रहे हैं। बाहर तो जो हर जगह लगी रहती है, मंदिरों के सामने घुमटी लगी हुई है, प्रसाद है, रेबड़ी है, खिलौने हैं, गोलगप्पे वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ। और बाहर ये चप्पल रखने के बॉक्स लगे हैं, तो आप बॉक्सों में ही चप्पल रखें, नहीं तो यह चप्पल चोरी हो जाती है। क्योंकि कल हमारी मतलब जो बहन आई थी उसकी चप्पल चोरी हो चुकी थी, उसने बाहर खुले में रख दी थी। तो हम खुले में नहीं रखेंगे चप्पलों को, इसमें रखेंगे। और यहाँ से अंदर जाएंगे, और ये चेकिंग हो रही है, चेकिंग होके जाते हैं सभी लोग अंदर। मंदिर में भीड़ बहुत है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। और मेरी दीदियाँ खड़ी हैं पीछे, शायद उनको पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो देख भी नहीं रहे इधर। और आज मैंने सेल्फी स्टिक ले ली है, और यहाँ बंदर बहुत रहते हैं, तो चश्मा लगा के नहीं आई हूँ। बंदर चश्मा उतार लेते हैं तो मेरी आँखें बंद हो रही हैं बिल्कुल। देखो इधर, देखो इधर, देखो सुनीता, सुनीता। और ये अंदर जाने का टिकट है, और शायद टिकट ही लेना है, पैसे वैसे तो नहीं लग रहे। कई लोग बोल रहे हैं बिना टिकट के भी जा सकते हो, पर हमने 8 टिकट ले लिए। पैसे लगे? नो। तो पैसे निःशुल्क है। अब अंदर जाएंगे हम लोग। और ये रास्ता है अंदर जाने का, सीढ़ियां हैं अंदर के लिए, सीढ़ियां हैं अंदर के लिए। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियां जो गई हैं ऊपर के लिए। इधर गुफा मंदिर है अंदर। बहुत खूबसूरत मंदिर है अंदर। ये मंदिर अंदर से है इस टाइप से।
ये अंदर का एरिया है, अंदर का एरिया बहुत ही खूबसूरत है और माता रानी को मैंने दिखाया भी आपको और थोड़ा कोशिश करती हूँ शायद पीछे भी दिखाई देना। तो आप देख सकती हो पीछे माता रानी है जिसको मैं दिखा रही हूँ। पूरा मंदिर गुलाई में है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आप वृंदावन आए तो वैष्णो देवी मंदिर जरूर आए। मैं वृंदावन बहुत घूमी हूँ और वैष्णो देवी मंदिर में पहली बार आई हूँ। गाने का बजाने का मन है तो वो भी कर सकते हो आप। और मेरी दीदियाँ बैठी हैं इधर, मैं सबसे छोटी हूँ इनमें, ये सब बड़ी हैं मेरे से। कोई मेरे चाचा की लड़की है, कोई बुआ की लड़की है, बुआ भी है ये ग्रीन सूट में, ये बुआ की बेटी बैठी है। सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप देख सकते हो। दर्शन कर लिए हमने।
और अब हम बाहर जा रहे हैं, यहीं से अंदर गए थे इस साइड से, दूसरी साइड से बाहर आ गए हैं। और ये आर्ट गैलरी है अंदर, ये जो मंदिर बना था तो उसका पूरा विवरण दिया है इसमें, कैसे बना कैसे नहीं बना पूरा दिया है इसमें। और अब हम दूसरी साइड से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऊपर देखते हैं क्या है, गुफा है शायद, मैं भी पहली बार आई हूँ, जो लोग बोल देते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये गुफा की साइड का एरिया है ये वाला, और गुफा में प्रवेश करेंगे अब हम। और ये बाहर आ गए हैं, और बाहर से बाहर पूरा एरिया दिखाती हूँ आपको, जंगल है अभी तो यहाँ पूरा। और जो मेरे साथ के लोग हैं वो वेट कर रहे होंगे, तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। और स्टेप से है ये पूरी, और ये ऊपर माँ का पर्वत है जिस पर माता रानी बैठी है, नीचे स्टेप से बना हुआ है जिस पर हम चल रहे हैं, और इसके नीचे गुफा थी। और ये दूसरी साइड है, दूसरी गुफा है। ओके, तो ये बाहर जाने का रास्ता भी गुफा के अंदर से है, तो बस अब बाहर जा रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। और बहुत संभल के चलना पड़ेगा, पानी है पूरी गुफा में, पानी है। थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको, फिर वीडियो बंद कर लूंगी। ये आप देख सकते हो स्टेप्स है पूरी गुफा। और भीड़ भी है, काफी भीड़ है, नीचे पानी चल रहा है, सब लोग पानी में चल रहे हैं, मैं भी पकड़ पकड़ के चल रही हूँ क्योंकि फिसलन नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ से आए हो आप लोग? अलवर। अलवर से? मैं भी जयपुर से आई हूँ, भागवत है यहाँ उसमें आई हूँ। चक्कर में मैं फिसल नहीं जाऊं।
वाकई में अंदर आके बहुत ही खूबसूरत है, मजा आ गया देख के। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, मस्त लगा ना जी? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो बस चलते हैं, और ये बाहर निकलने का रास्ता था, और मेरी जो बहनें हैं वो इंतजार कर रही होंगी, मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा। देख कर रही है ये आरो का पानी है, बोल रहे हैं आप पानी पी लो, और मैं पानी नहीं पीऊंगी क्योंकि मेरी बहनें हैं वो वेट कर रही होंगी और गुस्सा भी कर रही होंगी। भागवत का भी टाइम हो रहा है, तो बस अब चलते हैं। ये वैष्णो देवी का मंदिर था जिसकी एक फोटो ले लेती हूँ मैं। मैं ले चुकी हूँ, ले चुकी हूँ। और बस अब बाहर आ गए हैं निकल के, और अब जाएंगे